morning, student. Myself, Amardeep Kumar, as a computer teacher. Today, we will discuss about the chapter of class 3. This is the first part of chapter 2, and the topic is computer software. इसमें हम discuss करेंगे. First, we focus what we have learned in this chapter. Focus on that. That is the second point. That is the hardware. The second is that the software. यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में. क्या होता है हार्डवेयर, क्या होता है सॉफ्टवेयर, क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल है इस हार्डवेयर के, सॉफ्टवेयर का क्या रोल है हमारा कंप्यूटर सिस्टम. देन आफ्टर वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द हार्डवेयर एंड द टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर और व्हाट व्हाई वी कैन क्लासिफाई दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. And what are the specific work for the classification of that software? तो बात हम करते हैं सबसे पहले कि जो भी हमारा कंप्यूटर होता है वो बेसिकली दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है. क्या वन होता है हमारा, फर्स्ट वन दैट इज द हार्डवेयर एंड द सेकेंड वन दैट इज द सॉफ्टवेयर. तो हार्डवेयर के बारे में हम लोग अगर बात करते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हमारा बॉडी पार्ट्स की बात की जाए, बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए, तो जो भी हमें ह्यूमन बींग्स होते हैं हमें भी एक सॉफ्टवेयर होता है, एक हार्डवेयर होता है. अगर हम कंपेयर करें कितना कंप्यूटर से अगर कंपेयर करें, तो अपने जो भी हमारे ह्यूमन बींग्स होते हैं उनसे अगर हम कंपेयर करें कंप्यूटर को कोऑर्डिनेट करें, तो हमें पता चलेगा कि कैसे हार्डवेयर्स होते हैं, किन किन पार्ट्स को हम हार्डवेयर बोलेंगे कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं. जैसे हमारा बॉडी में क्या डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, जो भी फिजिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, एक्सटर्नल एपियरेंस जो हमें दिख रहा है बॉडी में, हेड, लेग, आईज एंड वॉट एवर, तो ये सारे के सारे अगर कंप्यूटर से कंपेयर करें तो उसी तरह से कंप्यूटर में मॉनिटर, माउस, जो फिजिकल अपीयरेंस आपको दिखता है दैट इज अ मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, सीपीयू, ये सारे क्या है वहाँ पे हार्डवेयर, जस्ट लाइक एज हमारे मे बी इसे हम क्या हार्डवेयर. जो हमारा सेकेंड चीज़ हमारा बॉडी के अंदर जो सोल है, शोल जिसे अंदर हमारे अंदर जिसके कारण हम मूव कर सकते हैं, वी आर क्लासिफाइड इन आर लिविंग सोल. हमारा क्या हुआ सॉफ्टवेयर, जस्ट लाइक हमारा बॉडी में क्या है वो इनबिल्टेड है, उसी वही क्या करता है हमारे बॉडी पार्ट को कोऑर्डिनेट करता है, ठीक है, मैनेज करता है किसी धाबे को करने में. उसी तरह से कंप्यूटर में विदाउट सोल क्या करता है इंसान को, क्या है यूजलेस है, इसका यूज नहीं होता रिवॉर्ड, दिस इज जस्ट लाइक कैरकिस, ठीक है. तो उसी तरह से हम बात करते हैं कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर में भी कोई ऑन करने के लिए ऑफ करने के लिए जो उसमें इंस्ट्रक्शन सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कमांड्स होते हैं कंप्यूटर में इनबिल्टेड या फिर इंस्टॉल करना होता है आपको, तो वो सारे के सारे क्या है, वो सारे हमारे क्या सॉफ्टवेयर. तो मैंने क्लास कंपेयर किया, कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की ताकि आप लोग को चीज़ें बेटर तरीके से समझ में आए. चलिए अब हम टॉपिक्स की ओर मूव करते हैं. तो इस तरीके से मैं समझाऊंगा आपको कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है. तो बात करते हैं सबसे पहले हम हार्डवेयर में. तो हार्डवेयर जो होते हैं कंप्यूटर के लिए, दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है. तो हार्डवेयर की अगर बात करते हैं तो हार्डवेयर बेसिकली क्या होता है, जो भी फिजिकल कंपोनेंट दैट वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है, इन कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम में, तो जो भी फिजिकल कंपोनेंट्स आपको देखते हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम ये हो गया कंप्यूटर कीबोर्ड हो गया, बात कर रहे हैं माउस की, ये हमारा हो गया माउस क्या, तो जितने भी आपको फिजिकल भी बाहर से दिखता है एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ दिस कंप्यूटर सिस्टम, तो पूरी कंप्यूटर सिस्टम में जो एक्सटर्नल अपीयरेंस आपको दिखता है ये सारे क्या है हमारे हार्डवेयर, ठीक है, ये सारे क्या है हमारे हार्डवेयर. बात करते हैं एग्जांपल का, तो एग्जांपल में हमारा मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, इसके बाद क्या हो गया हमारा कीबोर्ड्स हो गए, और भी स्पीकर प्लॉटर व्हाटएवर सीपीयू माउस, ये सारे के सारे क्या है हमारे हार्डवेयर है. ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंप्यूटर सिस्टम, विदाउट दिस द कंप्यूटर इज यूजलेस.
इसके बिना कुछ ठीक है, वी कैन नॉट है। और लेकिन इसके बाद अगर हम बात करते हैं दैट इज द हार्डवेयर के बारे में, मैंने एग्जाम्पल बताया हार्डवेयर होता है क्या है ये मैंने बताया। सेकेंड चीज हमारा क्या है जो टॉपिक है हमारा टेस्ट का सॉफ्टवेयर। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर इज नथिंग मोर देन अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो भी सेट इंस्ट्रक्शंस के जो सेट होते हैं कमांड्स होते हैं सारे के सारे क्या है सॉफ्टवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर द कंप्यूटर इज यूजलेस, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर क्या होते हैं हमारे यूजलेस मशीन होते हैं ठीक है बिना सॉफ्टवेयर के। और ये जो होता है ना इसको जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर, जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं इंस्ट्रक्शंस होते हैं किसके डेटा या इंफॉर्मेशन के वो सारे क्या हमारे बनाते हैं सॉफ्टवेयर बनाते हैं। बेसिकली इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड सेकेंड वन डेटा। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो रूटिंग का वो काम होता है, जो कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो जो पहला इंटरफेस आपको दिखता है जिसे आप ना छू सकें ना टच कर सकें, द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दैट वी कैन नॉट सी एंड टच ऑनली फॉर कॉल्ड सॉफ्टवेयर, इस तरह से लोग बात कर सकते। तो ये हम वो क्या होता है हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो पहला इंटरफेस आपको खुलता है जिस पर आप गौर करते हैं, एमएस पेंट की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, जिस किसी पर कोई भी जो भी प्रोग्राम पे आप वर्क कर रहे हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रोग्रामिंग, सेम प्रोग्राम भी बोलते हैं ठीक है। तो जो भी चीज़ पे आप काम करते हो क्या होता है कंप्यूटर सिस्टम में दैट इज द सॉफ्टवेयर, वो क्या होता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को बेसिकली दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इसकी क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, इसके क्या क्या यूजेज हैं, इसकी क्या क्या बेनिफिशियल रोल है इन्हें कंप्यूटर सिस्टम में, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं करेंगे इसके बारे में। थैंक यू।